जय शनिदेव भक्तो, मन भैया जी का प्रणाम स्वीकार करें। आज हम रूबरू होंगे, आप लाइव शक्तिपात में होंगे। लाइव शक्तिपात का मतलब ये नहीं है कि लाइव टेलीकास्ट होगा, लाइव टेलीकास्ट हो ना हो, मैं आपको अभी से बता देता हूँ आपने क्या लेना। तो लाइव टेलीकास्ट का मतलब ये नहीं है कि हम लोग लाइव होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है ये मैं बताता हूँ, वो बहुत ही अद्भुत है। आप लोगों ने जाप करना है, जाप करने के लिए साधन लेने हैं। साधन लेने के लिए क्या करना है, आपने एक दीपक लेना है, कच्चा तेल का दीपक जलाना है, और ये जो जाप होगा ये शनिदेव महाराज का ही होगा। आप लोगों ने तीन कार्य करने हैं, एक आसन लेना है, एक तकिया साथ में लेना है। कई बार रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए, अपने आप को सीधा रखने के लिए कमर के नीचे तकिया लगाया जाता है, कूलों के नीचे पीछे की तरफ, जिससे रीढ़ की हड्डी कमर सीधी रहे आपकी। और आपने ऐसे बैठना है, आप पालथी मारकर बैठे या वज्रासन पर बैठे, जो जिस आसन में सुलभता से बैठ सकता है, या सुखासन पर बैठे, जिस आसन में सुलभता से बैठ सकता है वो आसन ग्रहण करें। दो अगरबत्ती साथ में लगाएं, लेकिन अगरबत्ती छह लेनी है, क्योंकि एक अगरबत्ती 45 मिनट तक चलेगी ही चलेगी, 45 से 50 मिनट या एक घंटे तक चलेगी। तो चार छह अगरबत्ती लेके आपने बैठना है, एक माचिस साथ में रखनी है, दीप आपने जलाना है, या दीपक से ही अगरबत्ती जला लें, कोई बड़ी बात नहीं। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने थोड़ा सा जल अपने पास रखना है, और पीने का जल भी अपने पास रखना है, एक बोतल में अलग से जल रख लें। और अपना पहले ही खान पान करें, कम से कम दो घंटे आपको खाए पिए हो गए हो, दो घंटे के बाद आपने दो घंटे के लिए ये जप करना है। और जप होगा ओम सम सनिश्चाय नमः, ओम ओम सम सनिश्चाय नमः, ओम का जप करना है। उसके ऊपर क्या बोलना है मनी मन में, ये जिभ्या से बोलना है निरंतर, और उसके ऊपर मनी मन में क्या बोलना है ये भी मैं बता देता हूं। ओम सम सनिश्चाय नमः, ओम बोलते हुए आप मनी मन में उसके ऊपर जो है ओम नमः शिवाय ओम दो बार बोल पाएंगे। ओम सम सनिश्चाय नमः ओम, ओम सम सनिश्चाय नमः ओम। आप ऐसे भी बोल सकते हैं और विस्परिंग भी कर सकते हैं, यानी कि उपांशु जप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक छोटी सी तस्वीर हो, वो तस्वीर आपके बिल्कुल सामने हो, वो तस्वीर भगवान शनिदेव महाराज की हो। अगर शनिदेव महाराज की तस्वीर आप नहीं ले सकते तो भगवान शंकर की तस्वीर ले, और उनकी आंखों में देखते हुए समर्पण भाव से कि आज सारी दुनिया को त्याज के मैं आपकी शरण में हूँ, आपके समक्ष हूँ, आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ, अपनी ग्रहण शक्ति को बढ़ाएं। इससे दो घंटे के अंदर आपने जल हाथ में लेना है जरा सा, और जल लेके आपने बोलना है कि मनु भैया आज हमारे लिए शक्तिपात के लिए जप कर रहे हैं, हमें उसमें शामिल करो शनिदेव महाराज, और हमें भी शक्तिपात अपना कराओ, हमें भी छुओ, हमारे शरीर में भी वही कंपन वही तरंग भेजो, और हमें भी अपने अद्भुत नजारे दिखाओ, अपने से जोड़ो। हे कलयुग के नाथ, कलयुग के अधिपति, आप कलयुग के इकलौते स्वामी हैं, तो कलयुग में आपकी जो महानतम कार्य है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा होने के नाते आप हमें अपना शक्तिपात दीजिए, आप हमने महती कृपा दीजिए, आप हम पर रहमो करम कीजिए, आप हमें अपने चरणों से लगाइए, आप हमें अपना व्रत में हस्त प्रदान कीजिए। इस तरह से आपने बैठ जाना है और दो घंटे तक उत्तमता से जप करना है, और कोशिश करनी है कि दो घंटे तक टिके रहें। जो दो घंटे तक टिका रहेगा उस दो घंटे के दौरान ही उसको कई बार शक्तिपात होगा, किसी किसी को वज्रपात भी हो सकता है। शक्तिपात से बड़ा वज्रपात होता है, शक्तिपात से बड़ा वज्रपात क्या होता है कि आपको केवल सीधा आत्मदर्शन, ठीक है, कि आपके जितने भी आपके समक्ष आंख बंद करने के बाद जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे मलिन तत्व हैं, वो सारे के सारे हटके आपको स्वच्छंद आकाश नजर आएगा, आपको चिदाकाश नजर आएगा, वहां पर आपका आत्म तत्व जो है वो हजारों लाखों किरणें बिखेरता हुआ आपको कभी कभी बीच बीच में दृष्टव्य होगा। तो इस तरह से आप शक्तिपात में जुड़ेंगे, दो घंटे जाप करेंगे। बहुत सारे लोगों को जिनको अभी नहीं होगा, नहीं भी होगा ऐसे, लेकिन बहुत ही कम लोग रहेंगे, तकरीबन 20% ही लोग रहेंगे, बाकी सब लोग क्या हो जाने वाले हैं, बिल्कुल हल्के हो जाने वाले हैं। उनका मस्तिष्क एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाने वाला है जो आनंदमय अवस्था है, और इतनी आपका वेट जो है वो आपको लाइट महसूस होने वाला है, और बहुत सारी तरंगे उसकी उत्पन्न होने वाली है समस्त भूमि पर। आज मनु भैया के साथ आप लोग जो जाप कर रहे हैं उसमें 4 से 6 हजार लोग शामिल होंगे,
और 4 से 6 हजार लोगों के लिए मैं दुआ करूंगा लगातार 2 घंटे बैठकर बल्कि 3 घंटे बैठकर पहले से ही कि शनिदेव महाराज आप सबको आकर्षित करें, आप सबको खींचे और उस कलयुग के अधिपति नाथ की महिमा अनंत व निरंतर बढ़े। दूसरा, इसके अलावा आपको जिनको अभी नहीं भी होगा उनको रात को स्वप्न में होगा, 1 सप्ताह तक उनका दर्शन लगातार हो सकता है और फिर 1 सप्ताह बाद नेक्स्ट वीक हम कोई ना कोई दिन चुन के, आज मंगलवार है, अगर आज का दिन शुभ रहा तो अगला मंगलवार भी हमारे लिए शुभ होगा। फिर जो वीडियो हम डालेंगे उस वीडियो में अपने नीचे कमेंट करेंगे कि उन सबको क्या क्या आध्यात्मिक अनुभव हुए अगले आठ दिन तक वो ऐसे ही जप करेंगे, लेकिन आज का जो जप होगा वो महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट जप होगा वो हमारा जो है शिव साधना पर होगा और शक्ति साधना पर होगा, एक साथ शक्ति की और शिव की साधना करेंगे हम डबल, हम मन ही मन जाप करेंगे अगली बार। तब तक मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, अभ्यास कराऊंगा आपको मानसिक जप का, और मानसिक जप में भी आप 2 जगह ऊपर नीचे बैठ के जप करेंगे, लेकिन अभी उपांशु जप करना है, वाचिक जप करना है। वाचिक और उपांशु क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये वाचिक है, ओम नमः शिवाय ओम ये वाचिक है, उपांशु क्या है ये है कि आपको शब्द सुनाई ना दिया, जो बोलेगा उसी को महसूस हुआ कि उसने क्या बोला, दूसरे को केवल होठ हिलते हुए नजर आए, और इसके साथ साथ मानसिक में ओम सम शनिश्चाय नमः ओम बोलते हुए ऊपर 2 बार ओम नमः शिवाय ओम बोलना है, जिससे आपको उस अधिष्ठाता की जो इस पृथ्वी के समस्त समग्र ब्रह्मांडों के मालिक हैं भगवान शंकर की आपको साथ साथ कृपा मिल सके। इस तरह आप देखेंगे, इस तरह आप बहुत ही करीब है ईश्वर के, तो सब कुछ छोड़ के बैठ जाइए, सब कुछ छोड़ के बैठना 6 बजे से 8 बजे के बीच में, संध्या के समय, रात्रि के समय, तो वो समय आपके लिए आज का दिन विशेष है। विशेष इसलिए है कि मैं भी आपके लिए उस समय दुआ करूंगा जिससे आप सब लोगों को वज्रपात हो, शक्ति पात हो और उस ईश्वर का सानिध्य मिले, शनिदेव महाराज की अद्भुत कृपा मिले, कलयुग के अधिपति नाथ की अगर आपको एक बार भी कृपा मिलती है, इससे 7.5 ढैया महादशा के भार बहुत हद तक उतर जाते हैं और आप पर दबाव प्रेशर कम हो जाता है और आप फिर उसकी महिमा को समझने भी लगते हैं। जब वो जीवन में आ जाता है कैसे वो आपके जीवन को विपरीत और अपने अनुकूल कर लेता है तो भी आप समझने लगते हैं और आप फिर उसकी चाल से चलने लगते हैं, उसी में प्रसन्न अप्रसन्न होने लगते हैं और उसी की प्रसन्नता से आप प्रसन्न होने लगते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि पूरे जीवन में शनिदेव महाराज एक व्यक्ति को जितना प्रभावित करते हैं अन्य कोई ग्रह प्रभावित करता नहीं और कर भी नहीं सकता। तो जय शनिदेव, एको देवा कलो शनि, शनिदेव महाराज की शरण में आज हम कलयुग में पैदा हुए सारे के सारे इंसान उनकी शरण में जाकर उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे। जय शनिदेव, जय शनिदेव।